दुनिया में आज देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान क्या जनता के चहेते हैं या है तानाशाह? तुर्की में रविवार को होने वाले चुनाव में क्या विपक्ष को दबाने के लिए राष्ट्रपति अर्दोगान ले रहे हैं मीडिया का सहारा? बीबीसी की स्पेशल कवरेज। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। तुर्की चुनाव पर खास रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज पति के गुजर जाने के बाद वैन चलाकर बच्चों को पालती पाकिस्तान की एक महिला की कहानी। ले चलेंगे यूक्रेन की एक ऐसी सुरंग की सैर पर जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह। और फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आए पर्यटकों की मुश्किल हल करती मॉस्को की टूरिस्ट पुलिस। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। और आज बुलेटिन की शुरुआत तुर्की चुनाव से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण की वोटिंग रविवार को होगी। राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के खिलाफ मैदान में 5 उम्मीदवार हैं। तुर्की में चुनाव की क्या गहमा गहमी चल रही है, देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। दो साल की नेवाल अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। नेवाल की माँ को तुर्की की पुलिस ने गले में गोली मारी थी। वो नेवाल को जन्म देने के बाद मर गई थी। उसकी परवरिश दादी कर रही हैं और पिता जेल में है। ये कई ऐसे परिवारों में से एक परिवार है जो कुर्द अलगाववादियों के पीकेके और सरकार के बीच संघर्ष में पिस रहा है। वही सरकार जो रविवार को एक नए चुनाव जीतकर सत्ता में आने की कोशिश में है। नेवाल जब बड़ी होगी तो मैं उसे बताऊंगी कि सरकार ने उसकी मां की हत्या की थी। मैं अर्दोगान से नफरत करती हूं, क्योंकि उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो मेरे सामने आए तो मैं उसके मुंह पर थूक दूंगी। अर्दोगान इस इलाके में आकर रैली कर चुके हैं। कुर्दों के इलाके में उनकी पैठ कम है, लेकिन वो हर वोटर तक पहुंचना चाह रहे हैं। उनकी रैलियों में पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठती हैं। तुर्की में उनके सत्ता में आने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अर्दोगान कह रहे हैं एक देश एक झंडा, एक मातृभूमि और एक सरकार। भीड़ नेटो के एक ताकतवर देश के नेता के पक्ष में नारे लगा रही है। अपने तुर्क समर्थकों के लिए राष्ट्रपति अर्दोगान भगवान की तरह हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये भक्ति उनके विरोधियों की नफरत का मुकाबला कर पाएगी कि नहीं। तुर्की की रूह के लिए लड़ी जा रही ये जंग अब दो धुर विरोधी विचारधाराओं का जबरदस्त संघर्ष है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कुर्दों के हिमायती दल को सरकार आतंकवादी कहती है। उनके उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें शक है कि अर्दोगान चुनाव में धांधली का सहारा ले सकते हैं। इससे दूर ब्लैक सी के तट पर यह है अर्दोगान का गढ़। यहाँ उन्होंने नए स्कूल और अस्पताल के अलावा बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये इलाका अर्दोगान के वफादारों का है। जमाल जैसे लोगों का परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी करता रहा है। अर्दोगान ने अब तक इसी वफादारी की फसल काटी है। अगर अर्दोगान कहते हैं कि यहाँ सड़क बन जाएगी तो 3 दिन में सड़क बन जाती है। मुझे खुशी है कि एक मुस्लिम देश का नेता एक मुसलमान है। अर्दोगान तानाशाह नहीं, दुनिया का नेता है। डर और मौत के खतरे के बीच यहाँ विरोध के स्वर फुसफुसाहट में ही सुने जाते हैं। हमारी मुलाकात असफल तख्ता पलट की कोशिश में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी से हुई। सबसे मुश्किल तो अकेलापन होता है। हमें नहीं मालूम उनका मकसद क्या है, किसे तबाह करना है, हमें या तुर्की की न्याय व्यवस्था को। अर्दोगान मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। देश का भविष्य रविवार के मतदान से तय होगा। उम्मीद है उस दिन तुर्की के मतदाता देश के लोकतंत्र में नई जान फूकेंगे। क्या अर्दोगान को हराना उनके विरोधियों के लिए बेहद मुश्किल है? क्या अर्दोगान वहां चुनाव जीतने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने तय समय से 1.5 साल पहले चुनाव कराने का फैसला
आखिर क्यों किया, ये सब जानने के लिए हमने बात की तुर्की में भारत के पूर्व राजदूत रहे राजेंद्र अभ्यंकर से। प्रेस पर बहुत ही प्रेशर है टर्की में, और किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह का प्रेशर तो होना नहीं चाहिए। एर्दोगान साहब ने कुछ ऐसा बना लिया है माहौल कि जो प्रेस अभी चालू है वहाँ वो उनके ही तरफ से बात करती है, जो भी अखबार हैं जो उनके तरफ नहीं थे उनको या तो बंद कर दिया गया है या उनका फंक्शनिंग बहुत ही मुश्किल कर दिया है। उन्होंने चुनाव अगले साल के नवंबर से इस बार जून में कर लिए, क्योंकि उनको एक तो लगता है कि अभी वो जो सीरिया में हुआ वो एक टर्की की जीत इस तरह दिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि उनको एक थोड़ी शंका है कि ये जो आर्थिक स्थिति है टर्की की वो ऐसे ही रहेगी या नहीं या और ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होता और ये नवंबर 19 को ही होता तो आज और नवंबर 19 के बीच में लोगों का माहौल और विचार कैसे बदलेंगे ये अब कौन कह सकता है। और चुनाव को लेकर तुर्की की जनता का क्या मूड है, देश में किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए हमने बात की अंकारा में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक उमर अनस से। तुर्की का चुनाव अब सिर्फ 2 दिन रह गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव माहौल हो गया है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी आखिरी जद्दोजहद कर रही हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर जो रैली हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ जुट रही है। अपोजिशन पार्टीज की जो रैली हो रही है उसमें लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है और उस बयान में ज़्यादातर जो एर्दोगान जो प्रेसिडेंट है बहुत सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक पोलराइजेशन का माहौल इस वक्त बन रहा है अपोजिशन की तरफ से। इससे पहले कि बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं लेकिन इस जैसा ज़बरदस्त इलेक्शन शायद टर्की में बहुत कम हुआ है। ज़्यादातर पार्टीज वन वे में जीत जाती थी लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि एक पार्टी जो 15 साल से यहाँ पर रूल कर रही है वो बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत जाएगी। बड़ा चैलेंजिंग है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल ऐसे समझिए कि सांस थामे लोग बैठे हुए हैं। और कल वर्ल्ड विडो डे है, जिस दिन दुनिया भर में विधवा महिलाओं के हालात पर चर्चा होती है। ऐसे में बात एक ऐसी महिला की भी जिसने अपनी हिम्मत से अपने जैसी कई दूसरी औरतों को राह दिखाई है। मिलिए पाकिस्तान की आसिया से। जब मैंने गाड़ी चलाई तो लड़के मर्द जो भी आवाजें कसते थे। तो फिर उनका शराब पी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया, बस उसके बाद वक्त ही नहीं मिला उन्हें। मैंने कहा अगर मैं कैरी डब्बा लूं तो उसको ही सीटें निकालूं तो अपनी रखवाऊं तो मैं अपनी रोजगार चला सकती हूं। सबसे बड़े परेशानी मुझे यही थी कि मेरे सर की चादर उठ गई तो मेरे कोई मदद करने वाला ना रहा। आज दौर एक ही है, कोई बहन भाई नहीं करता मदद। मैं बेवाओं को ये पैगाम देना चाहती हूँ, मेरी बहनें माएँ जो भी हैं लेकिन वो किसी की आस नहीं रखें, वो खुद अपने आप को मतलब इस काबिल बनाएं कि हम मेहनत कर सकें जो भी करें। कमा सकती हैं, मैं कमाती तो वो भी कमा सकती हैं। और केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अश्लीलता देखने वालों की आंखों में होती है। इसी पर आज का कार्टून। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूक्रेन की वो खास सुरंग जिसे कहते हैं टनल ऑफ लव। To Moscow, we are here to help. और पर्यटकों को मुसीबत से निकालती मॉस्को की टूरिस्ट पुलिस, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। क्या कोई रेल की पटरी दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह हो सकती है? जी हाँ, ऐसी एक सुरंगनुमा रेल पटरी है पश्चिमी यूक्रेन में, जिसके लोग दीवाने हो रहे हैं, और इसे कहते हैं टनल ऑफ लव, जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो चलिए जानते हैं क्यों इस सुरंगनुमा रेलवे ट्रैक को कहा जाता है टनल ऑफ लव। 5 किलोमीटर लंबी अनोखी एक रेलवे लाइन, यूक्रेन की सबसे ज्यादा फिल्माई गई जगहों में से एक ये है टनल ऑफ लव। कहा जाता है कि इस सुरंग के हरे भरे पेड़ों पर धागा बांधने से सच्चे प्रेमी कभी नहीं बिछड़ते। लेकिन पश्चिम यूक्रेन के एक कोने में छिपा हुआ ये आश्चर्यजनक रेलवे ट्रैक दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह के तौर पर कैसे मशहूर हो गई? ये कहानी करीब एक दशक पहले शुरू होती है। एक स्थानीय फोटोग्राफर को नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें खींचने के लिए एक खास जगह की तलाश थी, और तभी उनकी नजर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो जाती इस रेलवे लाइन पर पड़ी। 2009 के पहले ये जगह सिर्फ यहाँ के लोगों को ही पता थी, लेकिन फिर मेरी यहाँ खींची गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसके बाद इस जगह को लोग जानने लगे। कुछ लोग इस जगह को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह भी कहते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट पर इस टनल की चर्चा बढ़ने लगी, जापान और चीन जैसे देशों से भी लोग यहाँ फिल्म और विज्ञापन की शूटिंग के लिए आने लगे। हमें इस जगह के बारे में सोशल मीडिया से पता चला। लेकिन ख्याल रखें, किसी ख्वाब से दिखने वाली इस सुरंग से अक्सर एक मालगाड़ी भी गुजरती है, जो लाइन के अंत में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री से सामान लेकर जाती है। सैलानियों से बचते बचाते ये ट्रेन इस सुरंग का आकार बनाए रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं, टनल ऑफ लव के पीछे एक कहानी भी है, जो प्रेम कहानी से ज्यादा एक रोमांचक नॉवल का हिस्सा लगती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस सुरंग को कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था, और यहाँ से नजदीक में एक सेना का खुफिया ठिकाना भी है। आज भी रेलवे ट्रैक बीच रास्ते दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक रास्ता सैलानियों और मालगाड़ियों के लिए है, लेकिन दूसरा रास्ता आम लोगों के लिए बंद। सोवियत अधिकारी अपनी सैन्य गतिविधि को लेकर काफी चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने इसके आसपास ऐसे पेड़ लगा दिए। इतिहास चाहे जो भी रहा हो, आज ये सुरंग प्यार भरे दिलों के लिए जन्नत से कम नहीं है। किसी भी दिन साल भर उन्हें तस्वीरें खींचते हुए या फिर खामोशी से टहलते हुए देखा जा सकता है। This is most romantic place in Ukraine. तो मशहूर हो रही है कभी गुमनाम सी रहने वाली प्यार की सुरंग। और अब बात फुटबॉल विश्व कप की, जिसे देखने दुनिया भर से खेल प्रेमी रूस पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई पर्यटकों को इस तरह की मुश्किलें भी पेश आती हैं। उनकी मदद के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट पुलिस दल का गठन किया गया है। देखते हैं ये टीम कैसे काम करती है। Welcome to Moscow. We are here to help. वर्ल्ड कप के लिए रूस आए पर्यटकों की मदद करता ये खास टूरिस्ट पुलिस दस्ता, जिसमें 200 लोग शामिल हैं। लीना और रोमन भी इसी दस्ते के सदस्य हैं। You know, work on this job, मुझे इस काम को करते हुए अभी एक साल से कम समय हुआ है। मैंने कई लोगों की मदद की है और मुझे अपने इस काम पर गर्व है। शहर के दौरे पर निकले लीना और रोमन को एक थाई जोड़ा मिला। वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया था और जेब कतरों ने उनकी जेब काट ली थी। लीना रोमन ने उनको मदद का भरोसा दिलाया और उन्हें दिलासा दिया। दुनिया भर से आए लोगों की मदद करना ही हमारा मकसद है। मैंने एक साथ इतने देश के लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बेहतरीन अनुभव है। हमें लोगों के जहन में रूस की अच्छी तस्वीर बनानी है। तो फुटबॉल प्रेमियों को हर मुश्किल से निकालने के लिए तैयार है मॉस्को की मददगार पुलिस। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कार में कैद हुआ भालू कैसे आजाद हुआ। दिखाएंगे आपको ग्लोबल राउंडअप।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर उत्तर कोरिया से, जहां आज उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारी मिले। उन्होंने 60 साल पहले हुए कोरिया युद्ध में बिछड़े लोगों को मिलाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के बारे में बातचीत की। पिछले 3 सालों से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। यूरोपीय संघ ने लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कीमत वाले अमेरिकी उत्पादों पर जो सीमा शुल्क लगाया था वो आज से लागू हो गया है। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अतिरिक्त कर लगाना 1 जून से शुरू किया था, जिसके जवाब में ईयू ने ये फैसला लिया। संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला के सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जुर्म से लड़ाई की आड़ में सैकड़ों लोगों की जान ली। यूएन ने कहा कि उनके पास ऐसे बयान हैं जिनके मुताबिक सुरक्षा बल एक इलाके में रेड डालकर वहां रह रहे युवाओं को गोली मार देते हैं। हवाई जहाज निर्माता एयरबस ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अगले साल यूरोपीय संघ को बिना किसी समझौते के छोड़ेगा तो वो ब्रिटेन में अपना सारा काम बंद कर देगी। ब्रिटेन के एरोस्पेस में व्यापार करने वाले मुख्य संगठन एजीएस का इस पर ये कहना है। एयरबस नियमित रूप से ये कहता रहा है कि और देशों की तुलना में ब्रिटेन में ज्यादा कंपटीशन है, और बिना भविष्य का पता हुए ऐसा कह देना कि हम ब्रिटेन में पैसा नहीं लगाएंगे ब्रिटेन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके अलावा खबरों में है मेलानिया ट्रंप, जो आई रियली डोंट केयर डू यू स्लोगन वाली जैकेट पहनकर विवादों में आ गई है। और ये जैकेट पहनकर वो टेक्सास में उन अप्रवासी बच्चों से मिलने गई जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अपने माँ बाप से अलग करके रखा गया था। इंस्टाग्राम पर अब कुछ चुनिंदा यूजर्स लंबे वीडियोस डाल सकते हैं और वीडियो की अवधि 1 घंटे तक भी हो सकती है। साथ ही यूट्यूब अपनी सब्सक्रिप्शन सेवा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे कई और देशों में ऑफलाइन कॉन्टेंट मिल सकेगा। और कैलिफोर्निया में गाड़ी में एक भालू कैद हो गया, जिसे पुलिस अधिकारी ने आजाद करवाया। अधिकारी ने कार का शीशा तोड़ा, फिर उस भालू को आजाद करवाया। अक्सर भालू खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और माना जा रहा है कि ये भालू भी इसी वजह से गाड़ी में घुस गया, जिसे इस तरह से शीशा तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। पिछले साल अक्टूबर में इस्लामिक स्टेट का सफाया करने का दावा किया गया था, पर बीबीसी संवाददाता क्वेंटन सोमरविल ने ट्वीट किया है और इस बारे में लिखा है कि आईएस ने एक बार फिर से रक्का पर हमला कर दिया है और फीफा वर्ल्ड कप के जादू से बांग्लादेश में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप भी अछूता नहीं है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की पसंदीदा टीम ब्राजील है। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।